हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हम लोग पिछले वीडियो में आधा पढ़ चुके हैं और आधा जो बचा है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग अटैचमेंट तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इंटरिंग डाटा इन द टेबल, एक टेबल में कैसे किसी डाटा को इंटर करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं, आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू यू कैन ओपन द फाइल बाई डबल क्लिकिंग ऑन इट। डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने के बाद आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक करके। इन द नेविगेशन पेन क्लिक ऑन टेबल नेम आइकन। नेविगेशन पेन पे जो टेबल नेम आइकन होता है, द टेबल विल बी ओपन अप डाटा सीट व्यू। अगर आप उसमें से कोई भी टेबल ओपन करते हैं तो वो टेबल हमें कहाँ दिखेगा? तो जब वो ओपन होगा तो हमें डाटा सीट व्यू पे दिखेगा विद द कर्सर इन द फर्स्ट फील्ड। और किस कैसे दिखेगा? तो जब भी वो ओपन होगा तो उसका जो कर्सर होगा, हमारा जो एरो होगा, वो फर्स्ट फील्ड में होगा और वो हमारा ओपन होके दिखेगा। कह रहे हैं, नाउ यू कैन इंटर डाटा इन द टेबल। अब आप वहाँ पर चाहें तो उस टेबल में किसी डाटा को इंटर कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो वो कहाँ होगा? तो वो फर्स्ट फील्ड में होगा, क्योंकि कर्सर उस टाइम फर्स्ट फील्ड में होगा। इसीलिए जो भी हम लोग डाटा उसमें टाइप करेंगे वो उस टाइम फर्स्ट फील्ड में होगा। अब एक इंटर की इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट रो। अब इंटर की का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट रो में जा सकते हैं, यानी कि उससे नीचे आ सकते हैं। कौन सी की का यूज़ करके? इंटर की का। द कर्सर मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन द नेक्स्ट रो। हमारा कर्सर जो है सबसे पहले कहाँ होता है? तो फर्स्ट फील्ड में होता है। और इंटर की का यूज़ करते हैं तो वो नेक्स्ट रो में, यानी उससे नीचे आ जाते हैं। अब एडिटिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए टेबल, रीनेमिंग ए फील्ड। एक फील्ड का हम लोग दूसरा नाम कैसे, जैसे कि मान लीजिए वो फील्ड ओपन हुआ है किसी और नाम से, उसका हम लोग एक और नाम, जैसे कि वहाँ पे टीचर्स नेम से हुआ था, उसका नाम हम लोग चेंज करके स्टूडेंट नेम डालें, तो वो कैसे रीनेम करें? तो कह रहे, ए फील्ड नेम कैन बी रीनेम एट एनी टाइम विदाउट अफेक्टिंग इन द डाटा ऑफ द फील्ड। आप एक फील्ड नेम कभी भी रीनेम कर सकते हैं विदाउट एनी अफेक्टिंग, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे, डाटा पे। टू चेंज द फील्ड नेम इन द डिज़ाइन व्यू, अगर आपको एक फील्ड नेम चेंज करने डिज़ाइन व्यू से, तो फॉलो द गिवन स्टेप। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करके हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? कह रहा है, डबल क्लिक ऑन द फील्ड नेम दैट यू वांट टू चेंज। आप उस फील्ड नेम पे डबल क्लिक करेंगे जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल है फ़ोन नंबर इन दिस एग्जाम्पल्स। यहाँ ये जो दिखा रहा है फिगर, इसमें फ़ोन नंबर को क्या किया हुआ है? रीनेम किया है, यानी उसका दूसरा नाम दिया हुआ है। तो फ़ोन नंबर पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा, टाइप द न्यू फील्ड नेम। अब दूसरा फील्ड नेम हम क्या डालना चाहते हैं? जैसे फ़ोन नंबर है हमारा, उसके जगह हम कुछ और डालना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? हाँ, टाइप करेंगे। क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद सेव बटन पे जाएंगे टू सेव द चेंजेस। और वहाँ जैसे ही हम सेव द चेंजेस करेंगे, जो हम लोग नया नाम डालेंगे वो हमें स्क्रीन पर दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऐड ए फील्ड। अब कोई फील्ड कैसे ऐड करें? पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है फील्ड क्या है, तो एक फील्ड को कैसे ऐड करें। कह रहा है, टू ऐड ए फील्ड फॉलो द गिवन स्टेप। उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं कि एक फील्ड को कैसे ऐड करते हैं। क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट ओपन द टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल ओपन करेंगे। क्लिक ऑन द ऐड बटन, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? ऐड बटन। जैसे देखिए, जैसे आप टेबल ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे है जैसे हमारा कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, और उसके बाद है क्लिक टू ऐड। तो इस ऐड बटन पे जाएंगे तो वहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ऐड बटन पे। अब गिव द न्यू फील्ड नेम। अब यहाँ न्यू फील्ड नेम हम डालेंगे। एज ए एग्जाम्पल, यहाँ स्टेट डाला हुआ है, सिटी के बाद यहाँ पे स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या लिए हैं? स्टेट लिए हैं। आप इसके आगे चाहें तो कंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट है, क्या है? न्यू फील्ड है। कह रहा है, द न्यू फील्ड विल बी इंसर्टेड एज अ सो वेलो द स्क्रीन शॉट। अब आपका जो न्यू फील्ड जो आपने बनाया है वो आप लोग को कहाँ दिखेगा? वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखेगा। ए न्यू कॉलम इज़ इंसर्टेड विथ द स्पेसिफाइड फील्ड नेम। जैसे आप न्यू रो को ऐड कर सकते हैं, वैसे आप न्यू कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव चेंजेस। लेकिन जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो पहले क्या करेंगे? इसको सेव करेंगे, वरना दोबारा जब आप इस टेबल को ओपन करेंगे तो आप जो चीज़ एडिट की है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए कोई भी चेंजेस करने के बाद उसको हम सेव कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट द डाटा टाइप फॉर द इंसर्टेड कॉलम इज़ टेक्स्ट। और कभी कभी डाटा टाइप जो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे रो में लिख रहे हैं तो कॉलम में भी लिखते हैं, तो रो चेंज करें या कॉलम, उसको हम सेव करते हैं। अब डिलीटिंग ए फील्ड, अभी हमने क्या क्या पढ़ा? तो फील्ड को कैसे रीनेम करें, यानी एक फील्ड का नाम कैसे चेंज करें,
एक नया फील्ड ऐड कैसे करें, अभी हमें पढ़ना है डिलीट कैसे करें। कह रहा है कि राइट क्लिक ऑन द फील्ड नेम एरिया एंड चूज द डिलीट फील्ड। जिस फील्ड को आपको डिलीट करना है उसको पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद जैसे हम देखेंगे तो एक पॉपअप मेनू हमारा खुलेगा जिसमें हम डिलीट फील्ड पे जाएंगे। क्लिक ऑन यस बटन। अगर हम यस बटन फ्रॉम द वार्निंग डायलॉग बॉक्स, अगर डायलॉग बॉक्स से हम यस बटन को क्लिक करते हैं तो द सेलेक्टेड फील्ड इज डिलीटेड। तो जो हमने सेलेक्ट किया था फील्ड वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव योर चेंजेस। उसके बाद फिर हमें सेव बटन पे जाके सेव कर देना है। तब देखेंगे जब भी हम दोबारा टेबल ये ओपन करेंगे तो जो भी हम डिलीट किए थे वो नहीं दिखेगा, और उसके अलावा जो हम डिलीट नहीं किए थे वो सब हमें दिखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद है हमारा सेविंग द टेबल। टेबल को कैसे सेव करते हैं, इसके लिए भी स्टेप है हमारा। टू सेव द टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर एक टेबल को सेव करना है तो क्या क्या करना है, तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू। सबसे पहले हम फाइल मेनू पे जाएंगे, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, वहाँ से हम सेव ऑप्शन पे आएंगे। द सेव एज अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो जो सेव का डायलॉग बॉक्स होगा वो हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। गिव द टेबल नेम। अब हम टेबल नेम देंगे, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है टेबल वन टेबल टू दिया जाता है तो आप उसकी जगह टेबल नेम भी डाल सकते हैं। और क्लिक ऑन सेव बटन, और उसके बाद आप सेव कर लेंगे उसको। अब है स्विचिंग व्यू। एक व्यू है, जैसे मान लीजिए दो चार व्यू होते हैं, इसमें चार व्यू होते हैं, डाटा सीट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू, डिज़ाइन व्यू। तो एक व्यू को स्विच करके बंद करके दूसरा व्यू कैसे ओपन करें। कह रहे एक्सेस प्रोवाइड डिफरेंट व्यू टू वर्क विथ योर डाटा। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है वो अलग अलग डिफरेंट व्यू जो हमें हमें प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए डाटा पे। यू कैन ईजिली स्विच फ्रॉम वन व्यू टू अनदर। आप आसानी से एक व्यू को बंद करके दूसरे व्यू का यूज कर सकते हैं। देर आर फोर व्यू टू वर्क विथ ए टेबल। यहाँ टेबल पे वर्क करने के लिए चार व्यू हैं। दिस देर आर एज अ फॉलो, जिसका नाम नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट है हमारा डाटा सीट व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू और डिज़ाइन व्यू। कह रहे द टू मेन व्यू आर द डाटा सीट व्यू एंड द डिज़ाइन व्यू। और इसमें भी इन चारों में दो जो है वो मेन है। कौन कौन सा, तो एक डाटा सीट व्यू यानी कि स्प्रेडशीट व्यू, और दूसरा डिज़ाइन व्यू यानी कि टेबल स्ट्रक्चर व्यू। अब क्या है डाटा सीट व्यू, कह रहे हैं कि इट डिस्प्ले डाटा अरेंज इन अ रो एंड कॉलम। ये क्या दिखाता है, तो ये डाटा दिखाता है हमारा जो अरेंज किया होता है रो और कॉलम में। फॉर्मेट दैट एलो यू टू व्यू इंटर मैनिपुलेट डाटा। इसमें हम डाटा को इंटर कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी उसे कर सकते हैं। अब डिज़ाइन व्यू क्या है, तो इट डिस्प्ले द व्यू दैट एलो यू टू इंटर फील्ड नेम। ये भी हमें दिखता है, हमारा इसका भी व्यू दिखता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ इसमें फील्ड नेम को इंटर कर सकते हैं, डाटा टाइप्स को इंटर कर सकते हैं, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन आप उस टेबल में अलग अलग डिज़ाइन के दे सकते हैं। अब हमारा ओपनिंग एंड एग्जिटिंग डाटाबेस। डाटाबेस को ओपन कैसे करते हैं और इससे एग्जिट कैसे होते हैं देखते हैं। कह रहे हैं टू ओपन एंड एग्जिटिंग डाटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप। इसके लिए भी स्टेप है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे जाएंगे, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। अगर हम ओपन ऑप्शन पे जाएंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो जो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। लोकेट द फोल्डर इन विच यू डाटाबेस स्टोरेज। जो आपने डाटाबेस में स्टोर किया होगा वो हमारा बॉक्स क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। अब है कि सर्च एंड क्लिक ऑन द डाटाबेस टू सेलेक्ट इट। अब आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से फाइल को ओपन करना है, उस फाइल को सर्च करेंगे तब तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सर्च करेंगे, अब है क्लिक ऑन द ओपन बटन, वो फाइल हमारा मिल जाएगा। तो उस पर ले जाके कर्सर को ओपन करेंगे। द एमएस एक्सेस ओपन द डाटाबेस। तो हमारा डाटाबेस क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेस में ऐसे ओपन हो जाएगा। और कट पे हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि क्लोज बटन पे जाएंगे तो वहाँ से हम कट कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब है हमारा क्लोजिंग ए डाटाबेस एंड एग्जिटिंग एमएस एक्सेस। डाटाबेस को क्लोज करके एमएस एक्सेस से कैसे बाहर निकलेंगे, तो कह रहे हैं कि टू क्लोज ए डाटाबेस फॉलो द गिवन स्टेप्स। डाटाबेस को अगर क्लोज करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कह रहे क्लिक ऑन द फाइल मेनू। इसके लिए भी कहाँ जाएंगे, हम फाइल मेनू पे जाएंगे, क्लिक ऑन द क्लोज डाटाबेस ऑप्शन। उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो क्लोज डाटाबेस ऑप्शन पे जाएंगे। टू एग्जिट फ्रॉम एक्सेस फॉलो द गिवन स्टेप। अगर आप चाहते हैं इसे एग्जिट होना एक्सेस से तो क्या करेंगे, तो क्लिक ऑन द फाइल मेनू और क्लिक ऑन द एग्जिट एक्सेस बटन। यहाँ जैसे ओपन और क्लोज है वहाँ पे एग्जिट बटन भी होता है, तो वहाँ से जब हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे, यानी उससे बाहर निकल जाएंगे। अब है हमारा रिकॉलिंग ऑफ द चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार
देख लेते हैं। तो पहला है कि डाटा रिफर्स टू रॉ फैक्ट एंड फिगर। डाटा जो हमारा होता है वो कौन कौन से फॉर्म में, तो टेक्स्ट और फिगर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। उसके बाद है ए डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस क्या है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटा बेस इज अ मीट ऑफ फील्ड रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। और डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, तो फील्ड रिकॉर्ड एंड फाइल्स। अभी हमारा रिलेशनल डाटाबेस स्टोरेज स्टोर डाटा इन सेवरल टेबल। रिलेशनल डाटाबेस आप लोगों को पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है वो अलग अलग टेबल में होता है, लेकिन सबका लिंक क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल डाटाबेस बोलते हैं। उसके बाद है टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डाटाबेस। डाटाबेस का जो बेस होता है वो क्या होता है, टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा ए फॉर्म हैज़ अट्रैक्टिव इंटरफेस एंड एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर फॉरवर्ड्स इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल और अ क्वेरी। फॉर्म क्या होता है, तो एक की फॉर्म जो होता है वो किसी भी डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो भी डाटा हम देते हैं वो फॉर्म पे देते हैं और वो उसको आगे कहाँ, क्यूरी सिप के पास सेंड करते हैं। हमारा उसके बाद है ऑल द कैंडिडेट कीज आर अल्टरनेट की। जो सारे जितने कैंडिडेट कीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। ए टेम्पलेट इज़ रेडी टू यूज डाटा बेस दैट कंटेंस ऑल द टेबल्स क्यूरीज फॉर्म एंड रिपोर्ट्स नीड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक टेम्पलेट्स क्या होता है, तो वो रेडी टू यूज़ होते हैं, यानी वो बना बनाया होता है जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो टेबल्स और क्यूरीज या फॉर्म रिपोर्ट्स बनाने के लिए करते हैं। टाइटल बार, टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ अ विंडोज एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेंट डाटा बेस। हमारा टाइटल बार जो होता है वो क्या होता है, तो सबसे ऊपर होता है विंडोज़ पे, जिस पे कि हम लोग जो करेंट डाटा बेस पे जो यूज़ कर रहे हैं उसका नाम दिखता है। उसके बाद है हमारा द डाटा कैन बी इंटर डायरेक्टली इन द डाटा सीट व्यू। डाटा को हम लोग डायरेक्टली डाटा सीट व्यू पे इंटर कर सकते हैं। फील्ड इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ टेबल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक आइटम्स एंड इन्फॉर्मेशन सच एज अ लास्ट नेम। और फील्ड क्या होता है, तो एक फील्ड जो होते हैं, एक टेबल में बहुत से फील्ड हो सकते हैं और टेबल का ही एक एलिमेंट होता है हमारा फील्ड। अब हमारा डिज़ाइन व्यू, तो डिज़ाइन व्यू डिस्प्ले द व्यू दैट एलो यू टू इंटर फील्ड नेम्स डाटा टाइप्स एंड द डिस्क्रिप्शन इनटू योर टेबल। अब डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, तो इसमें भी हम लोग किसी भी चीज़ को इंटर करके उसका डिस्क्रिप्शन भी इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।